हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैफ अली और मैं लगातार आपके लिए एक सेशन चला रहा हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी 6 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करा दिया है उर्दू के क्लास 6 के। और अब हम इसी सीरीज़ को आगे लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आप इसे सही से पढ़ सकें, सही से समझ सकें, एनालाइज़ कर सकें, आपकी जो माइंड है वो शार्प हो सके उर्दू के हवाले से। और यही हमारी आपसे उम्मीद भी है। आइए हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हमने ऑलरेडी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 इन 6 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करके बिल्कुल कवर कर दिया है। अगर आपने अब तक मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और आपको खुद इस बात आप खुद रियलाइज़ करेंगे, एहसास होगा आपको इस बात का कि ऐसा सेशन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये बहुत ग्रेट कंटेंट है और ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और आप इसको खुद को आपको रियलाइज्ड होगा कि ऐसा कंटेंट आपको आसानी से कहीं मिलने वाला नहीं है, बल्कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला नहीं है। आइए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन पेपर को कवर करते हैं। आज हम तकरीबन 4 साल के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कवर करना शुरू करते हैं। अहकाम का वाहिद क्या है, मैं इसे करा चुका हूँ पहले, इसलिए अब ज़्यादा इस डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अहकाम का वाहिद क्या है, तो अहकाम का वाहिद हुक्म होगा। वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बारहा बता चुका हूँ। वाहिद जो है वो सिंगुलर को कहते हैं और प्लूरल को जमा बोलते हैं। आंसू पीने का क्या मतलब है, आंसू पीने का मतलब जब्त करना यानी ख़ुद को संभाल लेना, इसका मतलब है आंसू पीना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सखी के क्या माना है, सखी के माना है फयाज, यानी जो सखी होता है वो ज़्यादा खर्चा करता है, वो बचा के नहीं रखता है, ठीक है। अब शरीफ की जमा क्या है, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसे पिछले साल या उससे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। शरीफ की जमा है शुरफा, वहाँ अशराफ वगैरह था तो वहीं पर यह भी था। आइए अगला देखते हैं। फूले ना समाने का क्या मतलब है, फूले ना समाना यानी बहुत खुश होना। मान लीजिए आपके आपने अपने पापा से कुछ मंगाया, टॉफ़ी मंगाई या फिर कोई कार वगैरह या कुछ मंगाई, तो अगर आपने कोई टॉय मंगाया है और आप उसे देख लेंगे तो देख के फूले नहीं समाएंगे, तो आपके घर में जो आपके चाचा होते हैं या आपके और रिलेटिव्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, बोले इसे देखो ये फूले नहीं समा रहा है, इसको एक कार क्या मिल गई या इसको खाने का क्या सामान मिल गया या कुछ और एटसेट्रा कुछ मिल गया तो फूले नहीं समा रहा, उसी को बोलते हैं फूले ना समाना। ये एक मुहावरा है, इसी को हम जब आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है तभी वो फूले नहीं समाता है। आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। आलिम की जमा क्या है, आलिम की जमा उलमा है। आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ पर बहुत सारे उलमा आए थे यानी बहुत सारे आलिम आए थे, ये इसका प्लूरल है। सदा की क्या माने हैं, यानी वो आपको सदा लगा रहा है, तो सदा क्या लगा रहा है, आपको आवाज़ लगा रहा है, सदा के माने क्या है, आवाज़ लगाना। कौम की जमा क्या, इसे पहले भी डिस्कस करा चुके हैं, कौम की जमा अकवाम है। और आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो 2013 और 14 में इतने ही क्वेश्चन है, अब हम अगले साल के क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। सिर्फ इसमें 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन पेपर हैं, कभी कभी ऐसा 8 क्वेश्चन है सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 12 पूछे जाते हैं, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 7, इस तरह से क्वेश्चन पेपर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप इन्हें थोड़ा सा समझ के कर लेंगे तो आपको आगे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत आने वाली नहीं है। और मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा, आपको थोड़ी सी उर्दू आती है और आप इन वीडियोज़ को देख लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो आगे चलते हैं हम 2012 और 13 में कुछ सब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि तराना हिंदी जिसे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें AMU के अंदर, और उसके ऊपर हर साल एक दो सवाल आते ही हैं और आने ही हैं, आप उसे पढ़ लें, समझ लें थोड़ा सा। तो इसमें भी यही पूछा है कि नहीं डैश नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो नहीं सिखाता क्या, इसका पहला लफ्ज़ यही, वो इसका पहला मिसरा ये है यानी सारे जहाँ से अच्छा, इसका जो दूसरा शेर शुरू होगा वो यहीं से होगा कि मज़हब नहीं सिखाता, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मज़हब, ठीक है, क्या हो जाएगा,
मजहब यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा, वैसे आप सही से थोड़ा सा कर सकते हैं। और सोनामी का लफ्ज़ है, यानी सोनामी किस ज़बान का लफ्ज़ है हमें शायद यहाँ पर ये बताना है। तो सोनामी जो है वो जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। जापान है ना एक देश, जो जापानी लैंग्वेज का लफ्ज़ है। आसाम की राजधानी क्या है, तो आसाम की राजधानी रिस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेट ऑफ इंडिया है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। अब मुंदरजा जेल, अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, यानी जो अल्फाज नीचे लिखे हुए हैं उन्हें जुमले में, सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए। तो बाज़ार, तो कह दीजिए मैं बाज़ार गया। उस्ताद, तो मैं अपने उस्ताद से पढ़ता हूँ, सिंपल। उस्ताद किसे कहते हैं, टीचर को बोलते हैं। बाज़ार तो बताने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार मार्केट को कहते हैं, उसी मार्केट को कहते हैं जिससे आपके घर में सब्जियाँ आती हैं, या और भी कभी कभी जो है वो कपड़े वगैरह, और हर चीज़ मार्केट से ही आती है ज़्यादातर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा जेल को अल्फाज के माने लिखिए, यानी जो नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं, लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनके माने क्या होंगे, ठीक है। तो इबादत गुजार के माने क्या होंगे, इबादत करने वाला। मुसर्रत के माने क्या होंगे, खुशी करने वाला, खुश आदमी। रंजीदा यानी गम वाला। गुलशन किसे कहते हैं, बाग। गुलतन किसे कहते हैं, बाग, यानी बागीचा जो होता है जिसे हम बागीचा वगैरह कहते हैं, गार्डन, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है, मुतजाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मुतजाद लिखिए, यानी इसके अपोजिट वर्ड को लिखना है, इसके जो अपोजिट है उसे लिखना है। तो मोहब्बत का क्या हो जाएगा, मोहब्बत का हो जाएगा नफरत। दोस्त का क्या, दोस्त का हो जाएगा दुश्मन, ठीक है। और अल्फाज को जमा में तब्दील कीजिए, यानी जो लिखे हुए हैं ये सिंगुलर हैं, इनकी प्लूरल लिखनी है। तो किताब का क्या हो जाएगा, किताब का हो जाएगा कुतुब, ठीक है। और बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा बच्चों। और जंगल का हो जाएगा जंगलात, क्या हो जाएगा, जंगलात। वक्त का हो जाएगा औकात, बात कदम, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। और आखिरी सवाल ये है, मुंदरजा जेल में सवालों के जवाब लिखिए, यानी जो नीचे लिखा है वो उसके सवालों के जवाब लिखिए। तो ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल की जाए, ठीक है, उसे ज़मीर कहते हैं। सर सैयद ख़ान की पैदाइश का महीना और साल लिखिए, तो सर सैयद की कब पैदा हुए थे, तो अक्टूबर में पैदा हुए थे, और कौन से साल में पैदा हुए थे, तो 1817 में पैदा हुए थे, यानी 1817 में पैदा हुए थे, कब, और डेट क्या थी, 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर, कितना, 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे, ठीक है। आइए हम अब अपने अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं 2011 और 12 के सामने, जो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर मौजूद है। खाली जगह को पुर कीजिए, यानी जो खाली जगह है उसको पूरा करना है, पुर करना है, उसको भरना है, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रिक्त स्थान होता है ना, कि जो खाली जगह है उनको भरना है। तो वही फिर पहला ऑप्शन आया जो हर पेपर में आता है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, तो हमें याद ही है ये हस्ती क्या होगा, इसमें फर्स्ट में होगा हस्ती, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट में क्या होगा, हस्ती होगा, ठीक है, हस्ती, हा सीन ते और या। आखिरी मुल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको और हम सबको मालूम है कि वो भोपाल है, क्या है, भोपाल है। तो भोपाल किस तरह लिखेंगे, भोपाल, ठीक है, हो गया भोपाल। मुंदरजा जेल अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, सॉरी। तो अगला सवाल क्या है,
मुंदरसा जेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो किताब, ये किताब मेरी है, स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल। और फिर नीचे क्या है, मुंदरजा जेल सवालों के जवाब लिखिए। बीबी फातिमा कौन थी? तो बीबी फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी आदमी या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। इस्म यानी नाउन, संज्ञा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का नाम लिखिए। तो उस वक्त मनमोहन सिंह थे, जब कई पेपर है, लेकिन इस वक्त मोदी जी हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मुंदरजा जेल अल्फाज को जमा में तब्दील कीजिए, यानी जमा इनके लिखिए। तो यानी ये सिमिलर है और इनका प्लूरल करना है, तो खबर खबर का हो जाएगा। अखबार यानी जो हम अखबार पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर, तो वो खबर की जमा है, यानी जो हमें खबर मिलने वाली थी वो उसकी जमा है, ठीक है, उसका प्लूरल है। तो बहुत सारी खबर मिल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अखबार, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, टाइम टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू वगैरह वगैरह, बहुत सारे अखबार हैं। और किताब की जमा क्या होगी? तो पहले अभी बताइए आपको, किताब की जमा दो किताबों की जमा हो सकती है, एक तो किताब की जमा कुतुब हो सकती है, एक किताब की जमा किताबें हो सकती हैं। और मुल्क की हो जाएगी ममालिक और दवाई की दवाइयाँ, बहुत सिंपल सा है। आगे अब डिस्कस करते हैं, 2011-12 में जो है, सॉरी हाँ 2011-12 में जो है वो यहीं तक है, हम आगे इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब हम, ये हमारा तकरीबन 10 साल के क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, 9-10 साल के, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मैंने सबको कवर किया और बहुत एनालाइज तरीके से कवर किया है। अगर आपने सही से नहीं देखा है तो इसे सही से समझ लीजिए। अगर आपने इसे एक बार भी देख लिया है, एक बार भी समझ लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको और किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं और बहुत अच्छे उर्दू के अंदर आप नंबर पा सकते हैं। अगर 10 नंबर का आ रहा है तो कम से कम आप 8 नंबर तो इसमें पा ही सकते हैं, और अगर आपने और अच्छा पढ़ा है तो 10 के 10 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो ये काफ़ी छोटा है और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, ताकि वो भी इससे मदद ले सकें और वो भी आपके साथ रह के AMU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकें। तो बस आप मुझे यहीं पर रुख्सत कीजिए, मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।